आमतौर पर होली पर सभी घरों में गुजिया बनाई जाती है जो कि हम लोग कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं। आज हम यही गुजिया माइक्रोवेव में 88% लेस ऑयल के साथ रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप इसको मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड करेंगे इसमें, धीरे धीरे करके आप पानी मिलाएंगे जब तक कि इसका स्मूथ डो ना हो जाए। डो रेडी होने के बाद हल्का सा हम लोग इसमें घी मिलाएंगे जिससे कि डो हमारा चिकना रहे, और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मावा लिया है, 50 ग्राम ही हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, 50 ग्राम पाउडर्ड शुगर लेंगे और चॉप्ड किए हुए आलमंड्स, कैश्यूज और किशमिश मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप चाहें तो कार्डमम पाउडर यानी कि आप इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। अब गोल गोल लोई बनाकर इस तरीके से आप इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद जो हमारे पास गुजिया मोल्ड है इसके ऊपर हम लोग इसको रखेंगे। इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम यहाँ पर साइड साइड में यहाँ पानी लगा देंगे जिससे कि जब हम गुजिया निकालें तो ये फटे नहीं, और अंदर इसकी स्टफिंग कर देंगे इस तरीके से। अब इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसके जो एजेस हैं ये हम लोग निकाल लेंगे। एजेस निकालने के बाद इस तरीके से आप और भी गुजिया रेडी कर सकते हैं। और इसको माइक्रोवेव, आपको सेफ तवा मिला होगा जब आपने माइक्रोवेव परचेज़ किया होगा, तो ये आप तवे को पहले आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद सारी गुजिया हम इसमें ऐड करेंगे और ऊपर से ऑयल की आप ब्रशिंग कर देंगे या घी की भी आप ब्रशिंग कर सकते हैं। ब्रशिंग करने के बाद हम सबसे पहले माइक्रोवेव अपना प्रीहीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोवेव प्रीहीट छोड़ा है, खाली माइक्रोवेव प्रीहीट करेंगे। जब इसमें से साउंड आ जाएगा उसके बाद हम लो रैक पर ही 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट का टाइमिंग लगा के रखेंगे जिससे कि हमारी गुजिया प्रॉपर तरीके से बेक हो जाएं। जब 15 मिनट आपके ओवर हो जाएंगे तो वापस आप गुजिया को बाहर निकाल लेंगे और दोबारा से इसकी ब्रशिंग करेंगे और ग्रिल मोड पर इसको आप सेट करेंगे 2 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको हाई रैक पर चेंज किया है। हाई रैक पर आप तवा रखेंगे जब आप ग्रिल मोड पर रखेंगे गुजिया, और ग्रिल मोड पर आप 2 मिनट के लिए इसको सेट कर देंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे गुजिया हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी गुजिया बनके रेडी हुई है। तो ये रेसिपी आप गुजिया वाली आप अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर शेयर कीजिए।